नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। 69th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और यह सेट नंबर बी है। तो पहला सवाल है, पहला ये हिस्ट्री से पूछा है, पहला सेक्शन यहाँ पर हिस्ट्री दिया गया। तो पहला सवाल है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नोट द मेम्बर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एंड्रयू। लॉरेंस एलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों जो था कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर, जे एंड्रयू जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसमें पूछा है कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए था। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे। सेफ्टी बाल्ब थ्योरी, तो जो सेफ्टी बाल्ब थ्योरी है ये आपका था लाला लाजपत राय का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन, कराची सेशन 1931। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो पहला कारण यहाँ पर दिया गया द मिलिट्री सुपरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, यह भी सही है। नेक्स्ट है द रिबेल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, यह भी सही है। और तीसरा रीजन दिया हुआ है देयर वॉज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कुछ सेक्शन ऐसे भी थे जो 1857 के विद्रोह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यह भी सही है। तो ये पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। तो इसलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है कि बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम बताना है। तो ये पिछले बार भी पूछा था, पिछले बार ये इंट्रोड्यूस हुआ क्वेश्चन और इस बार भी पूछ दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बतख मियाँ। अगला सवाल है बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल मूवमेंट, ये 1916 में हुआ था। सूरत स्प्लिट 1907 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और मांटे मिंटो मार्ले जो रिफॉर्म है ये 1909 में हुआ था। और ये बोला है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जो है सजाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें कौन हो रहा है, मार्ले नहीं, सूरत स्प्लिट, तो दूसरा नंबर पे दो हो जाएगा सबसे पहले सूरत स्प्लिट, उसके बाद मिंटो मार्ले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2413। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लॉर्ड लिट्टन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। देखिए, द एल्बर्ट बिल जो है यह लॉर्ड रिपन से संबंधित है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हिच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन व्हिच ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 1632 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। हंगर स्ट्राइक को फर्स्ट बार यूज कब किया था। तो यह किया था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार केसरी किसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिन्हा को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में ये पूछा गया है सवाल है। अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है डिक्लेयर चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण,
तीसरा दिया है इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन द रीजन, और चौथा दिया है इंस्टीट्यूटेड द चंपान एग्रीग्रियन कमेटी। तो आप लोगों को पता होगा कि चंपान कृषि समिति की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसको आप गोपाल कृष्ण गोखले से मिला दीजिए। तत्वबोधिनी सभा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय सभा हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैथ और रीजनिंग के सवाल थे, तो उसको मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से पूछा है कि बैड कंडक्टर कौन है, कुचालक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। देखिए लेमन जूस, साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, तो साल्टेड वाटर में भी आयंस होंगे, लेमन जूस ऑरेंज में भी क्या होंगे, आयंस होंगे, तो आयंस के कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो और पूछा है कि इसमें बैड कंडक्टर कौन सा हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है इसका डिस्कवर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, इसका सही जवाब हो जाएगा हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो ये जो सवाल है इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए बाय इंटरनिंग डायरेक्टली इनटू द सेल एंड इनेबलिंग देम टू क्रिएट ए स्पाइक प्रोटीन। इसमें पूछा है कि वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, तो वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करता है, तो ये हम सेल में डालते हैं और यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है और फिर वहाँ से जो है एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाता है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे जो वेक्टर वैक्सीन है ये हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं जैसे कोरोना का ही वैक्सीन लिए थे, तो उसमें क्या किया गया था, जो वैक्सीन हम लोग ले रहे थे तो उसमें क्या था इनएक्टिव वायरस जो है हमारे बॉडी में डाला गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है काम कैसे करता है, तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड्स न्यू क्रस्ट, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से पूछा है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो नई परत जो है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग से बनते रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारा जो है आपका 11th 12th के एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का आता है सॉरी ज्योग्राफी का आता है 11th का आता है ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब क्या होता है मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एनएसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो डायनमो से क्या करते हैं एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, करंट डेंसिटी इज, तो करंट डेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स आणविक लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट,
अब देखिए इसमें से बोला है कि रिएक्शन रेट को स्लो कौन करता है, तो प्रमोटर कैटलिस्ट जो है ये क्या करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ाता है ना कि स्लो करता है। तो ये पूछा है कि स्लो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वैसे ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के मिलता है और ब्रेन से सब जुड़ा हुआ रहता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। तो इसमें न स्पाइनल कॉर्ड दिया है न ब्रेन दिया है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अगला सवाल है, इसमें स्पेस मिशन को जो है और किसके लिए ये होगा उसको मिलान करना है। तो पहला है कैसिनी ह्यूजेंस, ये जो है आपका सैटर्न एंड इट्स रिंग, इसमें मिलान कर दीजिए, इसके लिए था। और जूनो जो है जुपिटर के लिए था, आर्टेमिस जो था ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू मून था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, क्लोथ और ओरिजिन को मिलाना है। तो लाइनेन जो है ये फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, तो ए का 2 हो जाएगा, क्वायर कोकोनट प्लांट से मिलता है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो पता भी नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से कर सकते थे। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिया है और ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही है, बोथ 1 एंड 2। पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दोनों है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 41 का ए, बोथ एंड 2 सही आंसर इसका है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कोबरा, पैथन, एसक्यूएल, जावा, ये सभी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन चैट GPT, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। चैट जीपीटी बहुत हो रहा था, तो उसे भी सवाल यहाँ पर पूछ लिया है। तो GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द टेस्ट ऑफ द टंग। टेस्ट ऑफ द टंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्वीट, बीटर और साल्टी, ये तो होता है। उमामी और सौर भी होता है, तो स्पाइसी और पंजेट यहाँ पर नहीं होगा। तो 4 और 7 जो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 44 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अब इसमें से क्या करना है कि आपको मिलाना था, करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है ये आपको बताना था। तो पहला है कि एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि मोटापा के डर से खाना पीना बंद कर देता है, ये लड़कियों में होता है। दूसरा है कि इंसोमनिया, इंसोमनिया जो है ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो ये दोनों क्या है, गलत मैच्ड है, उल्टा कर दिया बेसिकली। और तीसरा है डिप्सपोनिया, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। और चौथा है एनोसमिया, या पार्सल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो 3 और 4 जो है यह सही करेक्टली मैच्ड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स। तो पल्सर क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है 47, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज़ यूज्ड एज अ डायमंड सीड। तो ग्रेफाइट यहाँ पर जो है एज अ डायमंड सीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। तो केबलर का इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। अगला सवाल है कि HMX का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HMX का फुल फॉर्म होता है आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और हर मजेस्टी एक्सप्लोसिव। तो 1 और 4 इसका सही जवाब है,
तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमेनाइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्टिमस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो लगता है कि जो क्वेश्चन सेट किए हैं उसने ओपेनहाइमर मूवी जो आया था जिसका बहुत हाइप भी बना था, बारहवीं वर्सेज ओपेनहाइमर, तो उसी को देख करके आया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो होता है सेम साइज का बनता है, यहाँ पर सेम साइज का पूछा हुआ था तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अगला सवाल है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर परजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेटेड एन इम्यून रिस्पॉन्स, कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ सार्स सीओवी टू वायरस, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एलिफेंट के बारे में लोगों को पता था, बुल के बारे में पता था, तो एलिफेंट हाथी और बैल इन दोनों के बारे में पता था, घोड़ा का भी अवशेष कहीं कहीं मिला है, ठीक है, ये जो रामशरण शर्मा आर्य शर्मा का जो बुक आता है 11th का प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा हड़प्पा के बारे में, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मोहन क्या बोलते हैं कुछ जगहों से जो है घोड़ा का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एवर। इनमें से कौन जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इंडिया गेट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो है कहाँ से लिया गया है, तो DPSP कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 58 का ए। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना, तो ये हो जाएगा आपका सी 1975 में बना। इनमें से कौन सा जो है करेंसी कॉस्टलीस्ट है, तो पौंड स्टर्लिंग जो है क्या है कॉस्टलीस्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय व्हिच ईयर, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 में लिखा है कि शिपरेक टूरिज्म, तो ये जो शिपरेक टूरिज्म है ये आपको हो जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, तो G20 मेंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, बिल्कुल सही है, अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये गलत है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये भी सही है, तो करेक्ट पूछा है कौन करेक्ट है, तो 1 और 3 जो है यहाँ पर क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि हु इज़ द हेड ऑफ रसिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप, तो प्रिगोजिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैसे इसका जो है
देहांत हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब ये लोग कू किया था मॉस्को पे तो उस टाइम यही इसका हेड था पिरोगजिन, न्यूज में भी रहा था। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट? तो ये जो है आपका कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। तो 66 का जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ही रेंड फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96। आगे बढ़ते हैं कि डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात, उसका थीम क्या था? तो पाथ टू प्राइड, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 68, तो 68 है कि द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांडिंग यूट फेस्टिवल जो है किस कंट्री में मनाया जाता है? थांडिंग यूट फेस्टिवल जो है यह म्यांमार में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। व्हाइट हाउस के बारे में बात किया गया यहाँ पर, तो बोला है कि द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, तो यह गलत है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है इसका एड्रेस। सेकेंड है कि इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, व्हाइट हाउस में क्या कौन रहेगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहेगा, तो सेकेंड सही है। और थर्ड लिखा है कि ऑन नंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग, तो यह भी सही है। और इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो यह भी सही है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीज इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रमोटिंग, तो ये हो जाएगा आपका द बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, मतलब आप लोग सोलर लगा करके बिजली को बेच भी सकते हैं, तो उसी के लिए नेट मीटरिंग जो है यह न्यूज में आया था। अगला सवाल है मिलान करना है, तो मिलान करिएगा तो मैजेंटा जो है रेड और ब्लू से बनता है, टील जो है ब्लू ग्रीन और वाइट से बनता है, और यहाँ पर सियान जो है आपका ग्रीन और ब्लू से बनता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी किसका सही जवाब है, 71 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयेज टू द टाइटेनिक रेकेज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, अब फुटवेयर फैशन एसेसरीज को जो है उसके डिस्क्रिप्शन से मिलाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 73 का हो जाएगा आपका सी, ए का 3 और बी का 4। तो जो बेरेट होता है यह एक प्रकार का जो है हाइट होता है, और सिटिलेटोज जो होता है ये एक प्रकार का हील्स होता है, तो वुमेन फिटवेयर, तो ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 देखिएगा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 73 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है 74, अब वेयर डिड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, अब इसका क्या जवाब होगा ये पीपीएससी ही बता पाएगा, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। 75, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तो पहला फ्लशिंग मिडोज, तो ये यूएस ओपन में होता है, और तीसरा है कि रोनाल्ड गैरोज, और ये फ्रेंच ओपन से संबंधित है। तो देखिए 1 और 3 जो है करेक्टली मैच नहीं है, 2 और 4 करेक्टली मैच्ड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 576। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति की शुभारंभ किया। तो 77 है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टर्टवाइज इसको कहाँ छोड़ा गया। तो ये छोड़ा गया आपका नतांगी नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका यूएसए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन कायरो में कौन सा पदक जीता था। तो गोल्ड जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में किस ग्रेड से वोकेशनल एजुकेशन जो है यह मेनस्ट्रीम एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेड 6 ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया से साइन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। जिससे क्या होगा कि जो आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट है वहाँ पर सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का जो है उपयोग किया जाएगा जो आसानी से समझ में आ जाए सबको। तो ये काम जो है न्यूजीलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 83 का क्या है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अब ये जो है दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्ड डेम्बिडस कहा जाता है के टिलियार्ड डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रसिया में। 85 है लिस्बन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो उससे संबंधित है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 85 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो राजगिरा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर करेक्ट। तो ये पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो इट वॉज इनेक्टेड बाई लॉर्ड लिटन। तो बिल्कुल सही है। सो गैगिंग एक्ट भी कहते हैं ये भी सही है और रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यह सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। तो 88 का सही जवाब है इट वॉज फर्स्ट स्टेप दैट बाय फरकेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 जो है इसमें क्या करना है ये तो 4 गो स्टेटमेंट दिया है ना। इसके बाद जो है इसका करेक्ट कोड जो है यहाँ पर दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यह भी सही था लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन के बारे में। सेकेंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्टेन सर्विस। तो यह भी सही है। और तीसरा है कि इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी।
और चौथा इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ प्रोविंसेज। तो इसका सही जवाब है आपका 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। नीतीशार वाज अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटेन बाय। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कामंतक, ऑप्शन नंबर सी। नीतीशार जो है कामंतक के द्वारा लिखा गया था। फतुहात ए आलमगिरी ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघ बर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। 91, तो 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अगला सवाल है कि बिहार को पहली बार जो है कब अलग किया गया था, तो 1912 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तूपा चैत और बिहारा किससे रिलेटेड है, तो यह बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजनी इन बिहार, तो एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो पहला लिखा हुआ है कि यह जो है बांका जिला में स्थित है, तो बांका में नहीं है, भागलपुर में है। दूसरा लिखा हुआ है कि इस्टाब्लिश्ड बाय किंग गोपाल प्रथम ऑफ द पाला डायनेस्टी, तो किंग गोपाल प्रथम नहीं होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा जो बनाया गया था, तो धर्मपाल होगा। तो 1 और 2 क्या है इनकरेक्ट है, और पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए आपको तीसरा और चौथा पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं है, 1 और 2 जो है ये बस पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बाबर के बारे में बताना है। तो द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, तो गन पाउडर जो है मंगोल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर कैन डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, तो ये आर कैन डोम्स जो है ये टर्क्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला और दूसरा जो है यह गलत है, तो पहला दूसरा गलत है। तो अब अगर ऑप्शन देखिएगा तो पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो बी और सी तो वैसे भी सही जवाब नहीं होगा। और उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि युद्धों में कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था, पोत का इस्तेमाल किया था बाबर के द्वारा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया 96 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी सूरत। आगे बढ़ते हैं, अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज लोकेटेड एट, तो ये है आपका अजंता में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, दो स्टेटमेंट दिया, फाहियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, तो हर्षा के टाइम पे हुआंग सांग आया था, और चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइम पे जो है फाहियान आया था, तो ये उल्टा कर दिया स्टेटमेंट को। तो पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट है, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 101 मिलाना है, तो चरक जो है ये हो जाएगा आपका चिकित्सा से मेडिसिन से, तो ए को 2 से मिला दीजिए। बारह मिहिर एस्ट्रोलॉजर था, तो सी को 4 से मिला दीजिए, तो ए का 2 और सी का 4,
तो ए का टू और सी का फोर जो है आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बस बी में ही है। वैसे भी आपको पता होगा कि चरक जो है यह मेडिसिन से संबंधित है, तो ए का टू ऑप्शन नंबर बी में ही बस दिया हुआ है, तो बाकी को चेक करने का आवश्यकता ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस्ड द पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो नवरोज फेस्टिवल कौन इंट्रोड्यूस किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बलबन। नाथपंथी सिद्धाज एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो पहला है कि इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। दूसरा है कि इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, तो वन और टू दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कर्नाट डायनेस्टी जो है मिथिला संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 179। अगला सवाल है कि द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल। तो जो एवरेज हाइट है ये 100 से 300 मीटर के बीच है, तो आप देखिए कि बीपीएससी जो है इसका सही जवाब क्या लेती है, तो इसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बघेलखंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बॉर्डर रेंज। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्मोरा। अल्मोरा जो है तिब्बत से अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। वेयर डज द अल्लिनो करेंट फ्लोज। तो जो अल्लिनो है ये पैसिफिक ओशियन में फ्लो करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। तो ये गलत है, ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड है बाय सरफेस एरिया, तो थर्ड नहीं होगा सेकेंड लार्जेस्ट है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसमें पूछा आपका गलत कौन सा है, तो पहला गलत है तो ये आपका सी और डी तो नहीं होगा, तो ये गलत पूछा है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज तंजानिया युगांडा रवांडा एंड केनिया। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट 3 क्या है सही है। तो जब स्टेटमेंट 3 सही है तो अगर आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो दो ऑप्शन को तो पहले ही छाड़ दिए, ए ऑप्शन में 3 दिया है 1 एंड 3, और 3 तो करेक्ट है, पूछा इनकरेक्ट तो ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। तो हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच एट लिस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स। तो यहाँ पर 30 डिग्री नहीं होगा, 40 डिग्री होगा, प्लेन में 40 डिग्री और हिली रीजन में 30 डिग्री। बस यहाँ पर सब कुछ सही लिखा हुआ है लेकिन जो वैल्यू है डिग्री का ये उल्टा कर दिया। तो पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो नैदर वन नॉर टू ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो फर्डिनांड मैगेलन है यह पुर्तगाल से संबंधित है, यानी उसका जन्म जो है पुर्तगाल से हुआ था। वैसे ये जब दुनिया के सैर पर निकला था समंदर के रास्ते से तो स्पेन से निकला था, लेकिन इसका जो बर्थ प्लेस है पुर्तगाल है, तो डी का वन हो जाएगा। तो डी का वन देखिएगा आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में आपको बहरीन और कुवैत दिख रहा है, तो ये तो अलग देश है। फिर आप सी में देखिएगा जेदाह लिखा हुआ है, जेदाह, जेदाह कुवैत बहरीन, तो जेदाह जो है ये सऊदी अरब का ये जो है एक शहर का नाम है। और डी ऑप्शन में देखिए रियाद, ये भी सऊदी अरब का एक शहर का नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो आप ए सी और डी को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला है कि सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फ्लोइंग विलेज, तो नागरी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागरी विलेज से जो है यह निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। तो 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार, तो दुधवा जो है यूपी में है, गजनेर जो है राजस्थान में है, तो टू और थ्री तो नहीं होगा, तो टू और थ्री नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर वन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर बात करना है, तो ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसके बारे में पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है डाला गया है UNCN के रेड लिस्ट में, तो यह भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है यह करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है कि इट डज नॉट हैव द क्रिस्टलाइन आइज लेंस रेंडरिंग इट्स इफेक्टिवली ब्लाइंड, तो यह भी करेक्ट है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको लोकेशन, यह भी सही है। और अगला है कि इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर गंडक जो है उसको और क्या बोलते हैं, तो इसको नारायणी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड जो है बिहार में कहाँ पर मिलता है, तो ये जमुई हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी कैनाल जो है किस नदी से निकाला गया है, तो त्रिवेणी कैनाल जो है यह आपको गंडक नदी से निकाला गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 121, रिचर प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, तो ये हो जाएगा आपका, ये सही है। और इसके पीछे रीजन दिया है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कंटिनेंट्स वेयर ज्वाइंट टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट, तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है यह फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में दिया है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग, उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से सवाल पूछा है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 121 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122, लिखा है कि बिहार्स जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन, तो धारवार रॉक सिस्टम जो है यह पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, बस आपको ये पता था तो आप जो है सवाल का एकदम आँखमूंद के आंसर दे सकते थे, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो ए का थ्री जो है बस ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मराइन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड्स विथ एस्चुरीज बीचेज फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट सी ग्रासेस कोरल रिप्स साल्ट मार्शेज एंड मैंग्रोव्स, तो ये जो है ये बात किया गया आपका गल्फ ऑफ मनार बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। 123 का जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड व्हेन
द टाइम एट ग्रीनविच जो डिग्री इज 12 नून। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर ये 0 डिग्री है और ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है, तो 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आता है और ये ईस्ट में दिया है, तो ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, तो ईस्ट में जाते हैं तो प्लस करते हैं, समय को प्लस करते हैं, और वेस्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 90 डिग्री में कितना घंटा हो जाएगा, 15 सेकेंड में 6 घंटा का अंतर हो जाएगा, और ईस्ट में तो प्लस करेंगे तो 12 बजे दोपहर के बाद प्लस करेंगे 6 घंटा, तो 6 क्या होगा, PM होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, 124 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 125। तो माइका इज फाउंड इन कोडरमा, यह करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा गया है, जब इसमें भी मैच करना है पॉलिटिकल पार्टी को और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है यह 1925 में बना था, तो बी का 3 जो है आप देखिएगा कि एक ही ऑप्शन में दिया है, वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अंडर विच आर्टिकल्स द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो आर्टिकल नंबर 120 ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम के बारे में बात करना है, तो पहला स्टेटमेंट है कि द सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज 4 other सीनियर मोस्ट जज ऑफ कोर्ट एट दैट टाइम। तो ये जो है आपका सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका अगला स्टेटमेंट है कि द पार्लियामेंट बाय लॉ हैव इवॉल्व द कोलिजन सिस्टम। तो बिल्कुल गलत है, ये बेसिकली अलग अलग जजेज केस हुआ था उसके थ्रू जो है इवॉल्व हुआ था, फर्स्ट जजेज केस, सेकेंड जजेज केस और थर्ड जजेज केस, तो इस तरीके से ये जो है कोलिजन सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो सेकेंड जो है यह गलत है। तीसरा है कि द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजन सिस्टम। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट 3 सही है। और चौथा है कि द कोलिजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 बाई जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेज केस। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड जजेज केस होगा, तो 4 क्या है, गलत है। तो ये पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 129, 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट एडेड 3 words टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो यह सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट एडेड 8 fundamental duties। तो पहली बार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था, सेकेंड क्या है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो जब पहला स्टेटमेंट सही है तो पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही काट दीजिए, और सेकेंड इनकरेक्ट है तो सेकेंड तो सी में है ही नहीं है, तो सी को भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर। स्टेटमेंट दिया है इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, दूसरा है डिस्टिंक्टिव कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ कम्युनिटी एट लार्ज, और चौथा स्टेटमेंट दिया है बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यह चारों जो है शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होने के लिए ज़रूरी है, तो चारों किस में दिया है, किसी में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला है फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो USA से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 17 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 है कि द अथॉरिटी टू डिटरमाइन
द मेंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो जो 133 है इसका सही जवाब वैसे प्रेसिडेंट है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है यह भी पार्लियामेंट का ही भाग होता है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या लेती है बीपीएससी। वैसे अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी मान के चलते क्योंकि प्रेसिडेंट भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती वाला केस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जो 136 है आप इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। पूछा है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक लेवल। और ये जो फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 है, इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। तो 2 और 4 करेक्ट है, बाकी जो 1 और 3 जो है, इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट नंबर 3 है, इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। तो पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। व्हाट इज़ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट। तो जो करेंट पॉपुलेशन ये 43,59,700 2011 के सेंसस के हिसाब से जो है गया का पॉपुलेशन कितना है, 43,59,700 और 2023 में तो जाहिर सी बात उसे भी बढ़ गया होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2,24,000, 5,98,000, 3,20,000, 7,80,000 कि कोई भी जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि डिलीट कर देगा बीपीएससी। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट, 138। तो 138 जो है इसका सही जवाब है द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ये जो है नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर में आता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जो है इसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ किसके तुलना में, इम्पोर्ट की तुलना में, जबकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तब तो हमेशा ट्रेड डिफिसिट में रहते हैं। तो ये पूछा है कि नोट ट्रू अबाउट, तो नोट ट्रू कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही नोट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर ए। 140 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेज। तो पहला है द फिस्कल डिफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैड रीच्ड 9.2 ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द पेंडेमिक फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, द फिस्कल डिफिसिट हैड मोडरेट टू 7.7% ऑफ द जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये गलत है, 6.7% था। और तो इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो पहला तो करेक्ट है और दूसरा क्या है, गलत है। तो दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड नंबर क्या है, गलत है। तो क्या बचता है, बस ऑप्शन नंबर बी बचता है। 140 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये चारों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव।
अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल ऑफ ओरिजिन। तो रूल ऑफ ओरिजिन में जो है पहला स्टेटमेंट है कि रूल ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू द डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यह भी सही है। रूल ऑफ ओरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीज अप्लाइज टू अ गिवन प्रोडक्ट। यह भी सही है। दीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिक्स। यह भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है द इम्पोर्टेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शन इज इन सेवरल केसेज डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट। तो यह भी सही है। तो इसमें क्या है, सारा सही है। और पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के बारे में पूछा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली वन ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ। 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। ठीक है, और पूछ देख लेते हैं क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा है। तो पहला गलत है, तो ए और बी तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा आप स्टेटमेंट नंबर 4 देखिएगा। तो लिखा है कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 2019 में जो है यह उत्तर प्रदेश का था, जबकि यह किसके लिए था, एमपी के लिए था। 46 बच्चा का देहांत हुआ था पर 1000 लाइव बर्थ में। तो सबसे ज़्यादा जो है एमपी का था, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का शायद 41 के आसपास था, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब स्टेटमेंट नंबर 4 गलत हो गया तो आप ऑप्शन नंबर सी को भी काट सकते हैं। तो क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी बचता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगला है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म अ प्रोसेस विच इनेबल्स। तो 144 का सही जवाब जो है ये आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, इसमें थोड़ा सा डॉट है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ओनली 4 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। और फिर पूछा क्या है, पूछा है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है, बैंकरप्सी रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट एज दे बिकम ड्यू। इसको हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। और सेकेंड है रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द एसेट ऑफ द डिबेटर्स आर लिक्विडेटेड और रिकोगनाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर। तो इसको बोलते हैं बैंक करप्शन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, उल्टा कर दिया है। ये है इंसॉल्वेंसी के लिए और ये है बैंक करप्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं बैंक करप्शन, यहाँ पर लिखते हैं इंसॉल्वेंसी। तो 1 और 2 क्या है, गलत है। 1 और 2 क्या है, गलत है। तो जब 1 और 2 गलत है तो आप देखिए करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए काट सकते हैं, ऑप्शन बी काट सकते हैं, ऑप्शन सी काट सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 146, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, PLI स्कीम के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो PLI स्कीम जो है इसके बारे में पूछा है। तो पहला है स्टेटमेंट द स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो यह जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट द स्कीम शैल एक्सटेंड ऑन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8%। तो यहाँ पर 8% नहीं है, शायद 6% के आसपास है। और फिर देखिए लिखा भी हुआ है कि
एलिजिबल कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, तो यहाँ पर 6 ईयर नहीं होगा, 4 ईयर्स होगा, तो 3 क्या है, इनकरेक्ट है, 3 क्या है, इनकरेक्ट है। और जो चौथा स्टेटमेंट है, द टारगेट सेगमेंट अंडर PLI सेल इंक्लूड लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन PCs सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, तो ये चौथा सही है। तो ये पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो चौथा सही है। तो देखिए बी और ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, और ए देखिएगा तो ए में क्या था, ये भी सही था स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए बस बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 147 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149, स्वामित्व स्कीम के बारे में बताना था। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगा, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं पहले, तो पहला गलत हो गया, पूछा है कि गलत कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला जिस इसमें वही सही जवाब होगा, तो आप बी को और डी को तो ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, ये लिखा है कि द स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, यही काम था स्वामित्व योजना में, जो है ओनरशिप के बारे में बात किया गया, तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जब ये 4 स्टेटमेंट सही है, तो पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो इसको भी हटा दीजिए, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 149, आर्टिकल 360 के बारे में पूछा है, और इसमें जो है 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और 150 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, तो जो करेक्ट आंसर है ये चूज करना है, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन का जो है हमने यहाँ पर सही सही आंसर करने का कोशिश किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।